गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेफलोकोरेटा। ठीक है, सेफलोकोरेटा के जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, यूरोकोरेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है यूरोकोरेटा के बाद, नेक्स्ट सब फाइलम आता है प्रोटोकोरेट्स में, सब फाइलम सेफलोकोरेटा। ठीक है, सब फाइलम सेफलोकोरेटा। सब फाइलम सेफलोकोरेटा बिलोंग्स टू फाइलम। फाइलम कौन सा है? कोडेट्स। ठीक है, फाइलम कोडेटा। ठीक है, उसमें फाइलम कोडेटा के अंदर दो ग्रुप्स है, एक है प्रोटोकोडेटा एंड यूकोडेटा। प्रोटोकोडेटा में हमने पढ़ा सब फाइलम हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, और जो थर्ड हमारा सब फाइलम है सेफेलोकोडेटा। तो आज हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, सेफेलोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर, इसका ये हम क्या पढ़ते हैं, इसका हैबिटेट, हैबिटेट। ठीक है, फर्स्ट इज हैबिटेट, हैबिटेट। जो सेफलोकोडेट्स है, ठीक है, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है, ब्लू प्रिंट ऑफ वर्टिब्रेटा। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जो वर्टिब्रेट्स जो है वो सेफलोकोडेट्स से ही ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इसका हैबिट और हैबिटेट, तो ये कहाँ पे हैबिट, इसका रहने का जगह, ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? तो ऑल दिस सेफलोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये कहाँ रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, लैंड पे नहीं रहते है, समंदर में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। पानी में भी कहाँ? एक्वेटिक में। कहाँ? फ्रेश वाटर में नहीं, बल्कि कहाँ में, कहाँ पे? मरीन वाटर पे। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर ये कैसा, या बॉडी फॉर्म ये कैसे कैसा होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका बॉडी फॉर्म। ये जो सेफलोकोडेट्स है वो फिश लाइक फॉर्म होता है, मछली की तरह, फिश की तरह होता है। ठीक है, मछली, दे आर फिश लाइक फॉर्म। और इनमें सेफलोकोडेट्स में जॉ एब्सेंट होता है, एक्नेथा मतलब जॉ एब्सेंट होता है, वर्टिब्रे एब्सेंट होता है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है ना, वर्टिब्रे एब्सेंट होता है, और ब्रेन एब्सेंट होता है, एक रेनिएटा, जिसे प्रोटोकोडेट्स को एक रेनिएटा भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड कैरेक्टर इज दे आर फिश लाइक फॉर्म्स, फिश लाइक फॉर्म्स विदाउट विदाउट जॉ, वर्टिब्रे एंड ब्रेन, विदाउट जॉ, वर्टिब्रे एंड ब्रेन। ठीक, थर्ड थर्ड जनरल कैरेक्टर, इनमें हेड एब्सेंट होता है और बॉडी जो होता है, ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू, ट्रंक एंड टेल। हेड इज एब्सेंट, हेड इज एब्सेंट, हेड एब्सेंट होता है, हेड इनमें नहीं होता है इन एनिमल्स में। ठीक है, फिश की तरह होता है, फिश की तरह इलोंगेटेड होता है, लेकिन हेड एब्सेंट होता है इनमें। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज ट्रंक एंड टेल, ट्रंक एंड टेल होता है। ठीक है, मतलब फिश लाइक फॉर्म्स होता है, लाइक इनमें ट्रंक और टेल होता है, हेड एब्सेंट होता है, अगर हम मतलब कोई रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें सेफलोकोडेट्स में आता है ब्रेंचियोस्टोम, ठीक है, एम्फियोक्सिस आता है। अगर एम्फियोक्सिस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका मतलब हेड एब्सेंट होता है, कुछ इस तरीके से होता है, देखो कुछ इस तरीके से फिश की तरह ही होता है, लंबा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, हेड एब्सेंट है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये रोस्ट्रियम है, हेड एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोटो कॉर्ड, इस तरीके से नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
इसमें मायोट्यूब्स होता है, ये इसमें एक मसल होता है जो कि लोकोमोशन में मदद देती है। मायोट्यूब्स होता है, इसका टेल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये फिश लाइक फॉर्म है, इसमें हेड एब्सेंट होता है, बॉडी ट्रंक और टेल, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंचियोस्टोम या सेफलोकोडिड, जिन्हें भी सेफलोकोडिड, सो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो है, बॉडी पूरे बॉडी पे, ठीक है, पूरे इस बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पे एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है, पूरे बॉडी पे मसल होता है, एक मतलब स्पेशलाइज्ड मसल होता है जिसको कहते हैं मायोट्यूब्स, ठीक है, जो कि इस मसल की वजह से ये जो एनिमल है वो लोकोमोशन दिखाता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी कवर्ड विथ अ स्पेशलाइज्ड मसल, विथ अ स्पेशलाइज्ड मसल मसल्स नोन एज मायोटोम्स, MYOTOMES, मायोटोम्स, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, विच ये होता है मायोटोम्स, एक्चुअली कुछ इस तरीके से मायोटोम्स होता है, ठीक है। ये क्या है, मायोटोम्स है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर, फिर सीलोम। अब इनमें जो सीलोम होता है वो क्या होता है, एंटेरोसिलोमेटा। हमें पता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा टू ऑनवर्ड्स, मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा से आगे सारे जितने भी फाइलम आता है, सब फाइलम आता है या क्लास आते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या होता है, एंटेरोसिलोम होता है। शाइजोसिलोमेट्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एंटेरोसिलोम। तो सिलोम इज एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दे आर एंटेरोसिलोमेट, मीन्स सिलोम डिराइव फ्रॉम गट, ठीक है, गट से डिराइव होता है सिलोम। नेक्स्ट कैरेक्टर, अब इनमें फिश की तरह, मैंने कहा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिश की तरह होता है, ठीक है। तो इनमें पेयर फिन्स एब्सेंट होता है, जैसे कि फिशेस में फिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिन्स प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो पेयर फिन्स है, जो फॉलिम्स, अगर होमोलोगस टू द फॉलिम्स ऑफ टेट्रापोड, पेयर फिन्स जो होता है होमोलोगस टू फॉलिम्स ऑफ टेट्रापोड होता है, ठीक है। पेयर फिन्स एब्सेंट होता है, लेकिन मीडियन फिन्स जैसे कि अनपेयर फिन्स लाइक डॉर्सल फिन या कॉर्डियल फिन या एनल फिन, ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन आगे का जो दो पेयर फिन्स होता है फॉलिम्स, या हाथ के जो लिम्स होते हैं, फिन्स होते हैं, वो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, एनल फिन प्रेजेंट होता है और कॉर्डियल फिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो डोर्सल फिन इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे डोर्सल फिन कुछ इस तरीके से डोर्सल फिन प्रेजेंट होगा, ये ठीक है, ये क्या है, डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, कॉर्डियल फिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्डियल फिन प्रेजेंट होता है, टेल पे जो फिन प्रेजेंट होता है कॉर्डियल फिन प्रेजेंट होता है, एनल फिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एनल फिन प्रेजेंट होता है, फिन प्रेजेंट होता है, डॉर्सल कॉर्डियल एनल फिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मतलब यहाँ पे मान लो दो या फॉल वो है पेयर फिन्स है, वो एब्सेंट रहता है। फिशेज में पेयर फिन्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फिश की तरह है, लेकिन इनमें फिश से भी बहुत मतलब डिसिमिलरिटीज है, ठीक है, क्योंकि इनमें पेयर फिन्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, सिर्फ मीडियन फिन्स लाइक डॉर्सल फिन कॉर्डियल फिन एनल फिन्स आर प्रेजेंट, बट पेयर फिन्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पेयर फिन्स आर एब्सेंट, एब्सेंट मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट, मीडियन फिन्स, ओके, मीडियन फिन्स लाइक डोर्सल फिन एनल फिन
कॉडियल फिन्स आर प्रेजेंट. कॉडियल मीन्स टेल. कॉडियल मीन्स टेल. टेल फिन्स आर प्रेजेंट. प्रेजेंट होता है ठीक है, लेकिन इनमें पेयर फिन्स एब्सेंट रहता है ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर सेवेंथ, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है ठीक है. पूरा कंप्लीट मींस माउथ से लेके एनस तक होता है ठीक है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. और ये क्या होता है, स्लरी फिल्टर फीडर्स होता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. दे आर स्लरी फिल्टर फीडर्स. स्लरी फिल्टर फीडर्स. नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर. अब इसी में ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लो इसका फायरिंग है ठीक है. फायरिंग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है. नेक्स्ट मान लिखो, यही डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट है ठीक है. जो फायरिंग्स जो है वो लार्ज होता है. और फायरिंग्स में क्या होता है, फायरिंग्स लार्ज एंड विद न्यूमेरस गिल स्लिट्स. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है. अब कॉर्डेट्स है तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बेसिक कॉर्डेट्स के कैरेक्टर क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, नर्व कोड और गिल स्लिट. फायरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है. तो फायरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है. और जो फायरिंग्स है वो रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों सर्व करते हैं ठीक है. तो हम लिख सकते हैं फायरिंग्स, फायरिंग्स लार्ज एंड विथ न्यूमेरस न्यूमेरस गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स इट सर्व्स बोथ एज रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है. फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन मोस्टली इसके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, लेकिन हमने बताया कि इसमें फायरिंजियल गिल स्लिट्स भी होता है. तो मोर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के भी थ्रू होता है और फायरिंजियल गिल स्लिट्स के भी थ्रू होता है ठीक है. रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस समटाइम्स है फाइनेंशियल गिल स्लिट्स. समटाइम्स हैव फाइनेंशियल गिल स्लिट्स. स्लिट्स ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज एट एंड नाइन्थ. नाइन्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप होता है ठीक है. अब सेफलोकोडेट से जितने भी मतलब आगे आएगा ठीक है, सब फाइलम या क्लास या जो भी आएगा, ये इन सब में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. अभी तक हमने पूरे इन्वर्टिब्रेट्स में ओपन पढ़ा, एक्सेप्ट एनिलिडा और हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा में भी क्या पड़ा, ओपन पड़ा. लेकिन सेफलोकोडेटा से आगे जिनमें भी आता है उसमें क्लोज टाइप आता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है. इनमें हार्ट एब्सेंट होता है और ब्लड कलरलेस होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप. क्लोज टाइप हार्ट इज एब्सेंट. हार्ट इज एब्सेंट. ब्लड इज कलरलेस ठीक है. ब्लड क्या होता है, कलरलेस होता है. ब्लड इज कलरलेस. ब्लड इज कलरलेस
ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें फिर से क्या आ जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया आ जाता है। प्लेटी एलिमेंट्स की तरह इनमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया आता है, लेकिन विथ सोलिनोसाइट। सोलिनोसाइट एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोटोनिफ्रीडिया, प्रोटो निफ्रीडिया विथ, प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलिनोसाइट्स। सोलिनोसाइट्स, सोलिनोसाइट्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, जैसे कि फ्लेम सेल्स होता है, इसी तरीके से ये भी एक स्पेशलाइज्ड सेल है सोलिनोसाइट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें नोटोकोट प्रेजेंट होता है, नोटोकोट परसिस्ट, नोटोकोट परसिस्ट एंड एक्सटेंट, मतलब थ्रू आउट द बॉडी, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ एंड एक्सटेंट थ्रू, एक्सटेंट थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स नोटोकोट जो होता है थ्रू आउट द लाइफ रहता है, मीन्स इसके लार्वा में भी पाया जाता है और एडल्ट में भी पाया जाता है, एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी, मीन्स पूरे बॉडी पे ये नोटोकोट प्रेजेंट होता है। अब नोटोकोट प्रेजेंट होता है, इसमें फेरेंजियल विल स्लिट भी है और नर्व कोट, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो नेक्स्ट करेक्टर हम लिख सकते हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोट इज ऑल्सो प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये अब इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है इनका सेक्सेस सेपरेट होता है, ठीक है, तो सेपरेट है तो डाइशियस होगा, ठीक है, मतलब मेल अलग फीमेल अलग होगा, डाइशियस होगा। फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन ओपन सी वाटर, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज डाइशियस, दे आर डाइशियस, डाइशियस, डाइशियस मीन सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन ओपन सी वाटर, इन ओपन सी वाटर। डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर, ये कॉर्डेट्स में इट इज द फर्स्ट अमॉन्ग द कॉर्डेट्स, पूरे कॉर्डेट्स में ये मतलब पहला कॉर्डेट्स है जो कि क्या शो करता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम शो करता है। इट इज द फर्स्ट अमॉन्ग द कॉर्डेट्स विच शोज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसे कहा जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम विच ड्रॉज ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लिवर, ठीक है। इट इज द फर्स्ट अमॉन्ग द कॉर्डेट्स, फर्स्ट अमंग द कॉर्डेट शोज विच शोज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटो मीन्स लीवर, ठीक है, सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मीन्स विच ड्रॉज ब्लड, विच ड्रॉज ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल टू लिवर, एलिमेंट्री कैनाल टू लिवर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये है हमारा जनरल कैरेक्टर ऑफ सेफलोकोडेटा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ सेफलोकोडेटा में हमने पढ़ा कि जो सेफलोकोडेट्स होता है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, फिश लाइक फॉर्म्स होता है, इनमें जॉ नहीं होता है, वर्टिब्रे नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, वर्टिब्रे नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, हेड इनमें एब्सेंट होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू ट्रंक एंड टेल, बॉडी के पूरे पूरे बॉडी के ऊपर मायोटोम्स होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, सीलोम एंटेरोसिलोमेट होता है, पैर फिन एब्सेंट होता है, मीडियन फिन्स प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, फाइरिंग्स बहुत ज्यादा मतलब लार्ज होता है, और फाइरिंग्स में क्या होता है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करता है और गिल स्लिट्स के भी थ्रू होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप होता है, इनमें हार्ट एब्सेंट होता है, ब्लड कलरलेस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट्स होता है, नोटोकोर्ट प्रेजेंट होता है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ट प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है डाइशियस होता है, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और ये पूरे कोडेट्स में पहला सफाइलम है जो कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेफलोकोडेट के जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोकोडेटा। सेफलोकोडेटा के क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, छोटा सा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।